हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में मैं सोनम सोनी आज आपके साथ कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। जन्माष्टमी के दिन मैंने सोचा चलिए आज आपको पूरा अपना ब्लॉग ही दिखा देते हैं, छोटा सा। बस ये एक शुरुआत है नई। चलिए अब मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह 7 बजे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर इसमें हम अपने मखाने को रोस्ट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन हम पंजीरी ही बनाते हैं, तो मैंने सबसे पहले पंजीरी बनाना ही स्टार्ट किया है। तो हम पंजीरी अपनी बना लेते हैं। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है। ये चिरौंजी डाली है क्योंकि हमें सारा अपना खाना, भोग प्रसाद सब सुबह के 11 बजे तक कंप्लीट करना है। चलिए, और पूजा की भी तैयारी करनी है। फिर से हमने 1 चम्मच घी डाला और जो काजू बादाम थे ना हमारे कट किए करके रखे थे हमने कतरन टाइप की, उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसको निकालने के बाद में 2 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में, और गेहूं का जो हमने आटा लिया था ये 2 बड़े चम्मच घी हमने डाला है, और जो गेहूं का आटा लिया था उसको इसमें डाल देंगे। एक कटोरी बड़ी वाली हमने डाली थी, और बस इसको गुलाबी होने तक हल्का सा भूनेंगे। अभी इसमें थोड़ी कसर है। देखिए, अभी हमारा आटा हो गया है। और देखिए, जब ये इस कलर का हो जाए ना, जब भी आप बंद कीजिएगा गैस, मोबाइल में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल हल्का डार्क कलर का हो गया था आटा जब भी हमने इसको बंद की थी गैस। देखिए, अभी ये लगभग हमारा आटा भून चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, आज जो भी मैं वीडियो दिखाऊंगी ना, अब मैं केक का दिखा रही हूँ। जब मैंने खोया डाला था इसमें, और जब खोया हमारा भून गया तो चीनी डाल के इलायची डालकर ऐसा गाढ़ा कर लिया था दानेदार। फिर एक बड़ी कटोरी में हमने घी लगाया, उस पर ड्राई फ्रूट्स को पूरे में फैला लिया है, और जो मेरा खोया था उसको ऐसे ही जमा दिया है। अब बस ये 2-3 घंटे तक हम ऐसे ही रखेंगे और ये सेट हो जाएगा बाहर ही। बस चाकू साइड में लगा कर हम इसे निकाल लेंगे। फिर मैं कचौड़ी बना रही थी, मुझे याद है, अरे ब्लॉग मुझे बनाना था आज, तो चलिए ब्लॉग की थोड़ी सी शूट कर लेते। तो मैंने कचौड़ी का थोड़ा सा कर लिया, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो आप आगे वीडियो में देखिएगा। फुल रेसिपी मैं नहीं दे पाई हूँ आज, पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या बनाया है। नेक्स्ट जो भी फेस्टिवल आएगा उसमें मैं आपको फुल वीडियो देने की कोशिश करूँगी। चलिए, मैं कचौड़ी को निकाल लेती हूँ। अब यह था कि अब पूजा की तैयारी भी करनी थी, और जब मैं कचौड़ी बना रही थी ना, उस टाइम बज रहे थे 10:30। और इससे पहले मैं सब्जियां बना चुकी थी, पापड़ सेक चुकी थी, पूड़ी बना ली थी, सारा काम हो गया था। चलिए, अब ऊपर हमने पूजा की तैयारी की, फिर अपनी भोग की थाली लगा कर मैं ले आई हूँ कान्हा जी के सामने। और देखिए, नमकीन साखे हैं, शक्कर पारे हैं, पंजीरी है, सेवई पाग है, मेवा पाग है, और कुछ सूखी मेवा है। ये कान्हा जी के लिए लाई हूँ। और जो केक हमने बनाया था उसमें देखिए, ड्राई फ्रूट्स तो हमने डाले ही थे, बस डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ी चेरी जैम्स लगाकर, गुलाब की पत्ती लगाकर मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब जो देखो खाना बनाया था सुबह, रायता, भंडारे जैसी सब्जी, मिक्स वेज की सेवई मीठी, और मटर पनीर, पापड़, पूड़ी, कचौड़ी अपने कान्हा जी के लिए हमने बनाया है। और अब पूजा की सारी तैयारी भी हो गई है। अब इस टाइम टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है ना, उनके लिए मैं माला, मुकुट लाई हूँ, और ये वाली ड्रेस लाई हूँ। आप बताइएगा कैसी लग रही है उनकी ड्रेस। और यहाँ पर पंचामृत भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब बस कान्हा जी को हम भोग लगाएंगे। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि मेरे यहाँ तो जन्माष्टमी दिन में ही हो जाती है 12 बजे। अब ऐसा क्यों, ये तो मुझे नहीं पता है। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, सासू माँ बोली कि मैं जब से शादी होकर आई हूँ तब से दिन ही में हो रही है, तो फिर चलिए हम लोग दिन ही में करते हैं जब से। अब देखिए, पंजीरी आप देख रहे हैं ना, अब ये पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। दिया ये जला के रख दिए हैं सारे। अब बस इसके बाद में जन्म होगा भगवान जी का। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मेरे बेटे ने झांकी लगाई है यहाँ पे साइड में छोटी सी, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए,
केक कटिंग कर रहा है मेरा बेटा। अब कृष्ण जी का जन्म हो रहा है इस टाइम पे, और इसने यहाँ पे साउंड सिस्टम मोबाइल का लगा के रख दिया साइड से। नंदे के आनंदे भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी, ये वाला सॉन्ग आप देखिए कितनी सुंदर झांकी लग रही है, कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो।